हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का पेपर था वो अच्छा हो गया होगा। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से चल रही है, आज उसका एग्ज़ाम था। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आज का पेपर, JKSSB Class 4, 27th। जो आज का पहला पेपर था, 3 दिन आपके पेपर चलेंगे। सो ये आज का पेपर है, जिसका भी कल और जो 1st तारीख को एग्ज़ाम होना है। आप ये पेपर डाउनलोड करें, इसको देखें। तो इस पेपर पे आज एनालिसिस लेके आए हैं, थोड़ा सा ब्रीफली इसको देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, किस लेवल का आया था, और लास्ट पे आपको बताएंगे कि सेफ अटेम्प्ट या सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये है मैथमेटिक्स का सेक्शन, ठीक है। तो पेपर की बात अगर की जाए तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पता है, जो इस पे क्लास 4 पे जो एलिजिबिलिटी कैप रखा गया था कि 10+2 ही से होंगे। लेकिन ये जो पेपर है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा, क्योंकि ऐसे पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बच्चे। बच्चे इतना हार्ड जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए हैं, टफ क्वेश्चन हैं, तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते हैं। हाँ, क्लास 4, खासकर अगर स्टेट लेवल की बात करें तो पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था। तो ट्रिकी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी ट्रिकी बना दिए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करेंगे, जो JKSSB के एग्ज़ाम्स में आते हैं, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ कि जो JKSSB का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का वो पेपर, इससे जो है इजी था, उसमें GK भी इजी लगा, उसमें जो है सिर्फ अकाउंट्स का सेक्शन थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड था, हार्ड नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो वो भी इजीली क्लियर हो जाता सबका। लेकिन ये पेपर आज इन्होंने जो है अच्छी लेवल का पेपर बनाया है। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। इसका PDF अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, स्टडी सोशल साइंस, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, इसको देखें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इसको PDF या इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको ज़रूर देखें। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो भी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं उन सबका जो है पेपर अच्छा होगा। मैथमेटिक्स की बात की तो थोड़ी सी जो है पेपर मॉडरेट लेवल का ज़रूर था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे साइंस सेक्शन भी है, GK लेवल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, ट्रिकी है। ऑप्शंस ऐसे दिए थे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 10+2 की, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर नहीं था कि इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। JKSSB ने पेपर बनाया है थोड़ा ट्रिकी। सो ये अगर आप क्वेश्चन देखें, ये बहुत ही जो है रेयर है JKSSB के, खास तौर पर जो क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी रेयर हैं, ठीक है। डांडिया का जो फोक डांस है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ये गुजरात का है। तो ये मतलब आपको एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी की बात की है तो आप लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी की बात हो गई है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है आप लोग ये देखें, मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड। ये आपको ये एक और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो सारी से फर्स्ट प्रोड्यूस्ड मध्य प्रदेश का कौन सी सारी थी, ठीक है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बच्चे। सो आज का पेपर आपने देखा होगा, और आप ज़रूर, अभी अगर देखा नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कि आप पेपर देखें और ये क्वेश्चंस थोड़े नोट डाउन कर लें। आपको एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, और इससे पहले भी रिपीट हुए हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें, हु एमंग द फॉलोइंग एम्परर्स ऑफ गुप्ता डायनास्टी अर्न द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो समुद्र गुप्ता। सो ये आपका जो है क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल बनाए गए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चंस आप इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लेवल भी इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि आप इजीली इसको
वाले या जो जो 10th है जिनका इंग्लिश है या बहुत पहले जिन्होंने 10th किया है उनके लिए इतना भी इजी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी नोमी ओसाका ने जीता है 21 का, तो यहाँ पे 20 का आपको पूछा है। सो ये चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखनी है, 21 का नहीं पूछा है, 20 का पूछा है। लाला लाजपत राय यहाँ पे जो है कौन ब्रिटिश जब जो है यहाँ पे इंजर्ड हुए थे साइमन कमीशन के एजिटेशन के टाइम, तो इसका आंसर लाला लाजपत राय। सो ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चंस है, इसमें आप इजीली अगर आपको पता नहीं है लेकिन आपने तेंदुलकर का नाम ज़रूर सुना होगा तो इसको आप क्रिकेट से मैच कर सकते हैं। सो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली जो है कर सकते हैं। ध्यानचंद ये बहुत बड़े मेजर प्लेयर हैं हॉकी के, ठीक है। विश्वनाथ आनंद नाम सुना होगा आप लोगों ने, चेस से रिलेटेड है। मैरी कॉम ये बॉक्सिंग से हैं। सो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान तो ये जयपुर है। वलूर लेक ये यहाँ पे है, ट्यूलिप गार्डन का। कौन से बैंक्स पे हैं, रिवर बैंक्स। तो जो आप इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आए हैं, कॉन्सेप्चुअल आए हैं। सो होप कि आप जो है अब तैयारी अच्छी करेंगे। पैसेज आया है, पैसेज भी अच्छे लेवल का आया है। तो ये कंप्लीट अगर देखा जाए तो पेपर मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं कहूँगा, हम 10th और 12th की बात करें। लेकिन अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी की बात करें तो पेपर ठीक था, इतना हार्ड उनके लिए नहीं था, लेकिन 10th और 12th वालों के लिए पेपर डेफिनेटली जो है हार्ड। हम कैसा, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो देखो कट ऑफ तो हम नहीं बोल पाएंगे अभी, क्योंकि आपको जो है रिजर्वेशंस भी काफ़ी इसमें मिलनी है। 10% आपको डिविजनल में मिलेगा, यूटी वालों को 5%, और जिनके जिनके घर में कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है उनको भी 5%। सो बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं इसमें, ठीक है। फीमेल जो विडोज हैं तो उनको भी 5% प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा जो है आपको फैक्टर रहेगा ओवरऑल कट ऑफ में, जिसका हम फाइनल एनालिसिस जो है लेके आएंगे जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा कि पेपर कैसे आए थे तीनों दिनों के। तो आज की अगर बात करें सेफ अटेम्प्ट की, तो मैं जो 4,000 जो 4 लाख प्लस एप्लीकेंट्स है टोटल, तो उसमें से अगर हम 4 लाख जो लोग हैं ऑलमोस्ट एप्लीकेंट्स, वो अगर सिर्फ एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, तो अगर उनकी बात करें आज ऑलमोस्ट 1,30,000 जो है एप्लीकेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। काफ़ी बच्चे एबसेंट भी थे, ये हमें सुनने को मिला है कि एबसेंट थे बच्चे। और अगर हम 10th की बात करें तो मैं चाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आपका 50 से 52 से लेके 56 तक का स्कोर है, तो इसको हम कहीं हद तक सेफ अटेम्प्ट मान सकते हैं, या गुड स्कोर हम कहेंगे इसको। सेफ तो नहीं लेकिन अच्छा एक स्कोर हम कह सकते हैं इसको, कि आपको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सिलेक्शन आपका बाद में डिटरमाइन करेगा आपके जो और जो आपकी रिजर्वेशन फैक्टर्स हैं, वो आपका ओवरऑल सिलेक्शन जो है मैटर करेगा, ठीक है। जो भी आपका रिजर्वेशन जिनको भी है वही, हाँ अगर जो ग्रेजुएट्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो बच्चे हैं जिन्होंने अपीयर किया है एग्ज़ाम में, बहुत कैंडिडेट्स को जो है हमें न्यूज़पेपर सॉरी मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी जो है न्यूज़ इसके बारे में देखी, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स ने भी एग्ज़ाम दिया है। सो ये सब अगर आपको जो है प्लस 10th और 12th को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो यही दो हैं ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि इनके लिए इजी पेपर हो सकता है ये, लेकिन आपके लिए इजी पेपर बिल्कुल भी नहीं था। तो 50 से 52 टू 56 अब अगर आपका आ रहा है तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, गुड स्कोर हो सकता है, गुड अटेम्प्ट अगर पेपर की बात करें। तो ये था आपका एनालिसिस आज का। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को जो है देखें, पेपर को ज़रूर देखें, इसका PDF लें, और इसका आज ज़रूर, अगर आपका पेपर कल है तो इसका पेपर ज़रूर से ज़रूर आप पेपर देखो। और थोड़ा इस पे जो है अभी तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप इसको बिना देखे एग्ज़ाम में ना जाएं, इसको एक बार देखें, आपको थोड़ा सा है डाउट्स आपके ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।